So guys, in this video today we are learn 32 feet by 48 feet house plan with G plus 1 structure. So let's start with the main entry-level portion. Let's see first which side is 32 and which side is 48. So horizontally जो size है वो 32 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 32 feet, और vertical जो size है जो कि है 48 feet, that means यहाँ से लेकर यहाँ तक की 48 feet. So let's start with main entry वाला area. So as you can see here is the provide a parking. ये जो है वो parking की entry है, और ये साइड की जो एंट्री है जो कि है पेडेस्ट्रियन एंट्री. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्किंग वाला एरिया. तो पार्किंग की जो साइज है वो 30 फीट 6 बाय 24 फीट 9, दैट मींस हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो है 30 फीट 6 और वर्टिकली जो साइज है वो 24 फीट 9. आफ्टर दिस पार्किंग हियर इज द प्रोवाइड स्टेयरकेसेस. तो हम यहाँ से आप हो गए तो हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे, और यहाँ पे हमने लिफ्ट प्रोवाइड किया है. सो फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट की लोकेशन यहाँ पे है. ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट थी जो सर्वेंट रूम, उसके लिए कॉमन टॉयलेट, और स्पेशली जो स्टेयरकेसेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द किचन वाला एरिया, सो हियर इज द प्रोवाइड दैट, और गार्डन स्पेस. तो गार्डन की जो साइज है वो जो कि है 16 फीट 9 बाय 22 फीट 6, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 16 फीट 9 एंड वर्टिकली जो साइज है जो कि है 22 फीट 6. आफ्टर दिस गार्डन हियर इज द प्रोवाइड एंट्री फॉर द सर्वेंट रूम. तो सर्वेंट रूम की जो एंट्री है यहाँ पे सर्वेंट रूम प्रोवाइड किया है. या दिस इज द सर्वेंट रूम एंट्री. तो इसके जो साइज है वो 10 फीट 4 बाय 8, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 10 फीट 4 एंड वर्टिकली जो साइज है वो जो कि है 8 फीट. हियर इज द प्रोवाइड अ कॉमन टॉयलेट फॉर सर्वेंट. तो उसके जो साइज है वो 7 फीट 6 बाय 4 फीट 3, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 7 फीट 6 और वर्टिकली जो साइज है वो 4 फीट 3, और बैक साइड पर हमने OTS प्रोवाइड किया है. यहाँ पे हमने स्टेयरकेसेस प्रोवाइड किया है फॉर द किचन वाला एरिया, जो कि सर्वेंट इजीली फर्स्ट फ्लोर लेवल पर किचन में जा सकता है. सो इज इट दैट. तो हम स्टेयरकेस से यहाँ से अप हो गए तो हम यहाँ पे अब पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर लेवल पर जो कि है ये. तो हियर इज द फर्स्ट फ्लोर लेवल की जो किचन एरिया है वो वाला एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्टेयरकेसेस जो हमने प्रोवाइड किए हैं ये वाले. तो वहाँ से हम अप हो गए तो ये बालकनी वाला एरिया में हम पहुँचेंगे. सो इज इट दैट. सो बालकनी की जो साइज है जो कि है 12 फीट 6 बाय 11 फीट 3, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 12 फीट 6 और वर्टिकली जो साइज है जो कि है 11 फीट 1. आफ्टर दिस बालकनी हमने यहाँ पे सिटिंग स्पेस प्रोवाइड किया है. तो सिटिंग स्पेस की जो साइज है वो है 9 फिट बाय 11 फिट 1, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है जो है 9 फिट और वर्टिकली जो साइज है वो ऑलमोस्ट 11 फिट. और यहाँ पे हमने डबल हाइटेड स्पेस प्रोवाइड की है ग्राउंड से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक की, मतलब यहाँ पे स्लेब नहीं प्रोवाइड किया है. यहाँ से हमने एंट्री दी है मेन लिविंग रूम की. तो लिविंग रूम की जो साइज है वो 20 फीट बाय 12 फीट 3, 20 फीट बाय 21 फीट 3, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट और वर्टिकली जो साइज है 21 फीट 3. और यहाँ से मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि लिफ्ट वाला एरिया है, तो इज इट दैट. और लिफ्ट के आजू बाजू हमने सर्कसेस प्रोवाइड किए हैं जो आपको फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर लेवल पे लेके जाएंगे जो कि है टेरेस फ्लोर. सो ये सर्कसेस जो है प्राइवेट है कि आप फर्स्ट फ्लोर लेवल से ही इसका यूज़ कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो, ग्राउंड फ्लोर से नहीं दे सकते. यहाँ पर अभी हम पहुँचेंगे किचन की ओर. तो किचन की जो साइज़ है वो 16 फिट 1 बाय 9 फिट 7, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टली जो साइज़ है वो 16 फिट 1 और वर्टिकली जो साइज है जो कि है 9 फिट 7.
और बैक ऑफ दिस किचन हियर इज द प्रोवाइड अ वॉश एरिया. तो वॉश एरिया की जो साइज है वो 16 फीट 11 बाय 4 बाय 4, दैट मींस हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 6 फीट 11 और वर्टिकली जो साइज है जो कि है 4.4. यस, यहां तक की. अभी हम देखेंगे कॉमन टॉयलेट वाला एरिया. तो कॉमन टॉयलेट की जो साइज है वो 7 फीट 3 बाय 4 फीट 3, दैट मींस हॉरिजॉन्टली जो साइज है वो 7 फीट 3 और वर्टिकली जो साइज है 4 फीट 3. और बैक साइड पे हमने ओटीएस प्रोवाइड किया है. ये जो कॉमन टॉयलेट है वो ग्राउंड फ्लोर पर जो कॉमन टॉयलेट है उसके ऊपर की ओर है, मतलब ओटीएस जो है वो कंटिन्यूस जा रहा है टॉप ऑफ द फ्लोर व्हिच इज द टेरेस फ्लोर. अभी हम देखेंगे बेडरूम. तो बेडरूम की जो साइज है जो कि 14 बाय 40, दैट मींस